डीएपी खाद के केवल 5 कट्टे दिए जा रहे हैं और 25% केवल जो है बाजरा खरीदा जा रहा है और वो भी जो है 600 रुपये केवल बोनस। तो किसानों के साथ जाती हो रही है। आज किसानों का साथ देने के लिए हम लोग आए थे, हमने हरियाणा सरकार का पुतला भी फूंका है यहाँ पर और साथ साथ हमने प्रियंका और हमारे अखिलेश यादव और तमाम विपक्षी नेता हैं, दीपेंद्र और मायावती जी हों चाहे कोई भी हो, तमाम विपक्ष के साथ जो जातियाँ हो रही हैं और ख़ास तौर से प्रियंका गांधी जी को जिस तरीके से इन्होंने 30 घंटे इलीगल तौर से कस्टडी में रखा उसका हम विरोध करते हैं। इस बात को लेकर आज हमने मोदी का यहाँ पुतला फूंका है और साथ साथ जो डीएपी खाद है उसके अंदर जो किसानों के साथ जाती हो रही है उसको लेकर आज हम लोग यहाँ किसान भाई आए थे, यहाँ हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता आए थे। तो मैं इसकी जाकर कड़ी आलोचना करता हूँ और सरकार से अनुरोध करूँगा कि डीएपी खाद जितना किसान चाहे उतना डीएपी खाद दें और 25% बाजरा नहीं पूर्ण रूप से बाजरा सरकार को खरीदना चाहिए। वही भी पूरी खाद मिले किसानों को, आगे क्या रणनीति रहेगी कांग्रेस पार्टी की? हम लोग जो है अभी इंतजार करेंगे, अभी हम उनको एक हफ्ते का हम उनको टाइम दे रहे हैं क्योंकि अभी आप जहाँ आपको मालूम है कि अभी थोड़ा बरसात होगी है, एक हफ्ते बाद जो है हमारी जो है दोबारा ये खाद बोएंगे, एक हफ्ते का समय हम सरकार को देते हैं और दोबारा यहीं अनाज मंडी में आकर हम विरोध करेंगे, हम सरकार का विरोध करेंगे और किसी प्रकार से। लेकिन मेरे यहाँ के किसानों से भी कहना चाहूँगा कि अपने घरों से बाहर निकलो। आज जो है केवल हमारा इलाका है जहाँ पर भाजपा के नेता यहाँ घुस सकते हैं गाँव में, बाकी जगह भाजपा के नेता गाँव में नहीं घुस सकते हैं क्योंकि ये। और खट्टर साहब ने कह भी दिया, बोला भाई बहुत बढ़िया काम चल रहा है दक्षिणी हरियाणा में किसानों का, किसान बड़े खुश हैं। तो मुझे अगर लगता है अगर किसान खुश हैं तो उन्हें देखना है, कैप्टन अजय से एक दो दिन 3 दिन आकर कर सकता है लेकिन आंदोलन अगर चलाना है तो किसानों को चलाना है। एक सरकार ने कहा है कि वो पार्टी के तौर पर मंडी में मौजूद रहेगी, अगर 600 रुपये सरकार जो भावांतर योजना के तहत दे रही है तो अगर 1450 या 1550 नहीं खरीदते हैं तो पार्टी की तरह सरकार नई निगरानी करेगी। नहीं मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ, अभी बिक रहा है 1200 रुपये में, 1100-1200 रुपये बिक रहा है, किसान तो बेचारा बेचेगा आगे मंडी में और क्या करेगा, बिक रही है 1100-1200 में, अगर 1800-600 रुपये आप लगा लो उसमें तो फिर कम से कम 650 का तो नुकसान सीधा किसान को है, 650-700-700 रुपये का किसान को नुकसान हो रहा है। तो सरकार कोई सरकार का नुमाइंदा यहाँ मौजूद नहीं, कौन है बता दीजिए, मैं कौन है यहाँ पर, मुझे आप बता दीजिए कौन था यहाँ पर। अब यहाँ जो डीएपी खाद में किसानों में कितना भाई रोष था, वो कहने लगे अरे भैया तुम्हारे लिए आ रहे हैं, सुबह 5 बजे का लाइन में लग रहे हैं जी। हाँ सुबह के लाइन में लगे हुए हैं, उनके सब तरफ देखना चाहिए। और डीएपी के खाद जो है उसके लिए चाहिए बाहर से मंगवाएं कहीं से मंगवाएं, किसानों को डीएपी खाद पूरा मिलना चाहिए। लखीमपुर खीरी में 10 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, वीडियो वायरल हो रहा है, मैं कह ही रहा हूँ उसके बारे में, हम उसके लिए विरोध दोनों बातें हैं, दोनों किसानों की लड़ाई। प्रियंका गांधी जी किसानों की लड़ाई के लिए वहाँ गई थी, वहाँ पर जो किसानों को मार दिया गया कुचल दिया गया जिसकी वीडियो वायरल हो रही है और उसमें बकायदा दिखा रखा है, जो जिनको ये आतंकवादी कहते थे वो तो बेचारे मासूम किसान थे। तो सरकार को अजय मिश्रा का इस्तीफा तुरंत मंजूर करना चाहिए और उनके बेटे को अरेस्ट करना चाहिए। एक पत्रकार की मौत भी हो गई है, एक पत्रकार, अरे भैया मैं तो वहाँ कह दिया मीडिया वालों भाई इब तो नंबर नेताओं का आगे नंबर थारा है, क्या रही हो। रॉबर्ट वाड्रा को भी लखनऊ में रोक लिया गया है, चलो वो तो अलग बात है, चलता रहेगा।